बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी एक अच्छी बात के साथ। और देखिए, हम जो भी लफ्ज़ बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं सामने वाले के लिए। मुँह से लफ्ज़ निकालने से पहले उसका ज़ायका खुद ज़रूर चख लेना चाहिए। बास अल्फाज बड़े जहरीले होते हैं और बम की तरह वो करते हैं, उम्मीदों को, तमन्नाओं को और हौसलों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। वर्ड्स हैव इनर्जी एंड पावर, अल्फाज बड़े ताकतवर होते हैं, ब्रेक और मेक का काम करते हैं, बना दें या तोड़ दें। ये ज़ख्मी भी कर देते हैं और ज़ख्मों पर मरहम का काम भी करते हैं। चाहे तो फूल खिला दें या चाहे तो खिले हुए गुलशन को वीरान कर दें। तो फ्रेंड्स, गुफ्तगू में नरम ज़ब्त लेकर आएँ, अदब वाले और अच्छे अल्फाज का चुनाव करें जिनमें आजजी और शाइस्तगी हो। काबिल और समझदार अफराद की पहचान उनके नपे तुले अल्फाज ही तो होते हैं। कभी भी अपने मूड और मिजाज को मिक्स ना करें। अच्छे अल्फाज का इंतखाब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आ सकता है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। मैंने लास्ट वीडियो में जस्ट बिरयानी की एक दो मिनट की पिक लगाई थी, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप जो रेसिपी दिखाएं वो थोड़ी सी शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मटन की कलेजी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ के जी मटन की कलेजी ली है और इसको मैंने लहसुन लगा के, छिलकों समेत थोड़ा सा लहसुन लगा के इसको मैंने कूट के लहसुन को और मैरिनेट करने के लिए रख दिया था आधा घंटा। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके और फिर यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं और वो सारे मसाले से मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है जी योगर्ट और 3 to 4 tablespoons, और फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 जो है वो सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई वो इसमें मैंने ऐड की हैं। और फिर मैं, हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं खाते तो थोड़े स्पाइसिस मैं कम डालती हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल लें। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें है जी सूखा धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा और हल्दी। साल्ट नहीं ऐड करना, वो बिल्कुल एंड में ऐड करना है। और ये सब मसाले इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया तकरीबन हाफ़ आवर। और आधे घंटे के बाद जी यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए, उनको अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद मैं इनको ऑयल में डाल के और फ्राई करूँगी तब तक जब तक ये हल्के से ब्राउन हो जाएँ और इनकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें साथ मैंने ऐड किया है जी हाफ़ टीस्पून ज़ीरा और इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई किया है 5 से 7 मिनट। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी मटन कलेजी जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। आप इस तरह बना के देखें, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत माउथ वाचिंग भी होगी और टेस्ट में भी ये बहुत डिफरेंट है। अदरवाइज़ मेरे बच्चे जो है वो मटन की कलेजी नहीं खाते थे, लेकिन कल जब मैंने ये बनाई तो इनको बहुत पसंद आई। इसको मैंने तकरीबन हाई फ्लेम पे 10 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह जो है वो कुक किया है। और 10 मिनट कुक करने के बाद मैंने 2 टमाटर लिए, 2 से 3 अदद, और उनको अच्छी तरह उनका पेस्ट बना के मैं उसमें वो भी ऐड कर रही हूँ। और ये इसमें जा रहे हैं जी टमाटर, और इनको भी अच्छी तरह मैं कुक कर लूँगी 10 से 15 मिनट। और अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसको थोड़े फ्लेम इसका मैंने लो किया, और जब ये अच्छी तरह से कुक हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, तो यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ आधा ग्लास पानी। उसमें जाएगा सॉल्ट 1/2 teaspoon, जितना आपने ऐड करना हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं 1/2 teaspoon ऐड कर रही हूँ, बल्कि उसे भी थोड़ा सा कम है। और इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी इसको मटन कलेजी में, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। साल्ट बिल्कुल एंड में डालना है ताकि जो कलेजी है वो सख्त नहीं हो बल्कि ये सॉफ्ट ही रहे। और इस तरह बनाएं और बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार आपकी मटन कलेजी जो है, मसाला मटन कलेजी रेडी होगी। और ये है जिसकी फाइनल लुक। इंजॉय कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी मटन कलेजी कैसी बनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें।